हेलो गाइस, आज इस वीडियो में रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का फॉर्म आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एलएलबी अपना कंप्लीट कर चुका है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। और ये आपके लिए वैकेंसी आया हुआ है 2021 में, जो आप इस अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये पोस्ट आया हुआ है, लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है। और इसमें जो टोटल रिक्वायरमेंट्स है, 2 रिक्वायरमेंट्स है लीगल असिस्टेंट का, जो वैकेंसी है वो 2 ही है। एलिजिबिलिटी में इसमें एलएलबी और बीए एलएलबी कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका कंप्लीट हो चुका है। और उनका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, वो 55% मार्क्स होना चाहिए, इन ऑल एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है ये 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड एक्सटेंड करके ये 6 महीना और भी बढ़ा दिया जा सकता है। साथ में वर्किंग टाइमिंग भी यहाँ दिया हुआ है, लोकेशन जो मुंबई है। इमोलमेंट की बात करें तो 25,000 आपको मिलने वाला है पर मंथ। एकोमोडेशन, मेडिकल, टर्मिनेशन, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कंडीशन जो है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जो कर सकते हैं वो यहाँ पे आप ईमेल आईडी देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है रिज्यूम सेंड करना है, जो सब्जेक्ट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर लीगल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ईमेल में। और कैंडिडेट को उनमें अटैच करना है अपने रिज्यूम के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में, जो एलएलबी डिग्री है, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द ईयर्स इज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आप दे सकते हैं प्रूफ में। साथ में और भी डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, अगर ये सब डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। टोटल साइज ऑफ अटैचमेंट शुड नॉट बी एक्सीड 10 MB, डेट मीन्स जो साइज ऑफ होना चाहिए वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ईमेल्स SCI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। डेट मीन्स अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है ईमेल भेजने में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया जाएगा। लास्ट डेट इसकी बात करें तो 13 मई 2021 है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे कीजिएगा उन कैंडिडेट के पास जिनका लॉ कंप्लीट हो चुका है और अगर वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिना एग्ज़ाम दिए हुए सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि अगर इनकेस अगर ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट आते हैं तो शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो मार्कशीट और जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके डिपेंड पे आपका फिर आगे का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर कैंडिडेट का है जो एलिजिबल कैंडिडेट को इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये फॉर्म निकल के आ रहा है और इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस ये पोस्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, डेट मीन्स इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुंबई में जॉब है और साथ में बिना कोई एग्ज़ाम दिए हुए इंटरव्यू के बेसिस पे आपको इस जॉब के लिए लिया जाएगा, जो 2 ईयर्स का होने वाला है जॉब और प्लस में 6 मंथ भी एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉ से रिलेटेड वैकेंसी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने सोशल मीडिया थ्रू शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।